बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़े हैं कि हाउ टू पुट द कंजक्शन, हमने इसका रूल्स देख लिए थे। आपकी एक्सरसाइज आपके सामने है, देख लेते हैं कहाँ तक आपने पिक किया है। आप पहले ऐसे कीजिएगा कि अपने तौर पर जो है इसमें कंजक्शन लगाने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद जी ये वीडियो जो है प्ले करके देखिएगा कि आपने सही कंजक्शन लगाई हैं। चलें जी, ज़रा कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल जी, आपने कोशिश की हुई है और अपने पास रखिए। अब देखिए कि हम इस पे कंजक्शन किस तरह लगाते हैं, क्या आपने ऐसे ही लगाई हैं। तो हर सेंटेंस को जो डायरेक्ट फॉर्मेट में दिए गए हैं हमारे पास इनडायरेक्ट के लिए, उसको अगर हम देखें तो ये एस वन है और ये एस टू है। दोनों के दरमियान ये इन्वर्टेड कामास मौजूद हैं, जिसको ब्रिज अप करने के लिए हमें कंजक्शन लगानी पड़ती है। कंजक्शन लगाने के लिए हम एस वन को कभी नहीं देखते, हम सिर्फ एस टू को देखते हैं। कैस टू जो है किस काइंड का सेंटेंस है। अब आप यहाँ पे देखें तो आई एम अ ग्रेट राइटर, तो ये सीधा सीधा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, ना ये इंट्रोगेटिव है और ना ये इम्पेरेटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ इन दोनों को हटा के जो कंजक्शन हम लगाएंगे वो कौन सी लगेगी, इसमें इसमें दैट लगेगी। हमें पता है कि अदर्स के साथ, सबके साथ दैट लगती है। दूसरे सेंटेंस को देखें, दे सेड टू मी व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हमने ये देखना होता है कि सिंगल है या डबल है। जी क्या फरमाते हैं आप, सिंगल है या डबल है? ये डबल है, बिल्कुल ठीक कहा। एक तो ये यू सब्जेक्ट है, इससे पहले विल की वजह से क्वेश्चन है, और दूसरा ये व्हाट की वजह से क्वेश्चन है, डबल ये क्वेश्चन है। तो डबल क्वेश्चन की दूसरी अलामत क्या होती है कि अगर उस सवाल को आपको पूछा जाए तो आपको पूरा जवाब देना पड़े, येस या नो की फॉर्म में जवाब ना दे सकें। तो डबल क्वेश्चन है, तो डबल क्वेश्चन में कंजक्शन कौन सी लगती है? कोई कंजक्शन नहीं लगती, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लग रही। तीसरे में अगर देख लें, विल यू हेल्प मी प्लीज़, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिंगल क्वेश्चन है, देखें सिंगल क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट है और आगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सिंगल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब यस या नो की फॉर्म में आप दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसका सिंगल क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब सिंगल क्वेश्चन में आप कंजक्शन कौन सी लगाते हैं? इफ़ लगाते हैं, चले जी इसमें इफ़ लगेगी, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगेगी। तो चौथे में चले जाएँ जी, ही सेड व्हाट अ लवली सीन इट इज़, उसने कहा बहुत शानदार किस्म का नज़ारा है। तो जो व्हाट अ लवली सीन इट इज़ है, ये इंट्रोगेटिव है? नहीं। ये इम्पेरेटिव है? नहीं। तो अगर इंट्रोगेटिव या इम्पेरेटिव नहीं है तो फिर हमारी तरफ से कुछ भी हो हम उसमें दैट लगा देंगे, लिहाजा यहाँ पे दैट लग जाएगा। आगे चलते हैं, द प्रिंसिपल सेड पे अटेंशन टू द स्टडीज़। अब यहाँ पे देखें, पे अटेंशन टू द स्टडीज़ ये ऑर्डर दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो नहीं है लेकिन इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में हमें पता है कि इन्वर्टेड कॉमास हटा के यहाँ हम टू लगा देंगे, बस। अभी देखें, हमने ना तो कहीं कोई प्रोनाउन चेंज किया है और ना ही हमने इसमें को टेंस चेंज किया है। ये प्रैक्टिस सरासर सिर्फ इस काम के लिए थी कि हाउ टू पुट अ कंजक्शन, आप एस टू को देख के क्या सही कंजक्शन लगाते हैं। तो आप अब इन आंसर्स को अपने जो आपने पहले सॉल्व की एक्सरसाइज है उसके साथ मैच कीजिए, क्या रिजल्ट सेम है। थैंक यू।